नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ये हमेशा चर्चा में बना रहता है कि 10% का जो ये EWS कैटेगरी को जो आरक्षण दिया गया है उसकी तकनीकियां क्या हैं, और OBC नॉन क्रीमी लेयर को जो आरक्षण दिया जाता है उसकी तकनीकियाँ क्या है। क्योंकि अक्सर ही चाहे हमें फॉर्म भरना हो कोई या किसी भी वैकेंसी का जब हम रिजल्ट देखते हैं, कट ऑफ देखते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि इन दिनों EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ आती है और OBC नॉन क्रीमी लेयर की जो कट ऑफ आती है उसमें एक अंतर देखा जाता है, जो अंतर EWS कैटेगरी के पक्ष में होता है। तो हम देखेंगे, कई बार हम सोचते हैं कि अगर EWS कैटेगरी की कट ऑफ कम जा रही है तो OBC जो हैं वो चाहते हैं कि हम भी EWS कैटेगरी ही का सर्टिफिकेट ही क्यों ना बनवा लें ताकि हमें ज़्यादा लाभ मिले। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो भारत सरकार ने जो 103वां संविधान संशोधन किया उसके उपरांत ही EWS कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलने लगा, इनकी मेरिट कम जाने लगी। और लेकिन उस समय जो संशोधन आया उसमें एक प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि जो भी अभी तक लाभार्थी अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) का लाभ ले रहे हैं वे अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के अंतर्गत जो EWS कैटेगरी को लाभ मिलेगा उसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो इससे यह स्पष्ट है OBC कैटेगरी का कोई स्टूडेंट यह चाहे कि वो EWS का कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा के उसका लाभ प्राप्त करे तो यह संभव नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात अगर हम देखें तो OBC के सभी स्टूडेंट्स को, सभी लाभार्थियों को OBC कैटेगरी के अंतर्गत जो लाभ मिलते हैं वो नहीं मिल दिया जाता। इसमें एक प्रावधान है नॉन क्रीमी लेयर का, क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं उन्हें इन सुविधाओं से दूर कर दिया जाता है ताकि OBC के ऐसे छात्रों को, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए ताकि अगर वो विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए हैं तो आगे आ सकें। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम लाभ बांटना शुरू करते हैं तो जो तगड़े हो जाते हैं, जिन्हें लाभ मिल रहा होता है पहले से, वही बार बार लाभ प्राप्त करके पीछे जो रह जाते हैं उनको पीछे छोड़ते चले जाते हैं। विभिन्न जो रिपोर्ट आती हैं अगर आप देखेंगे तो गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये OBC नॉन क्रीमी लेयर होता है। इसमें जिनकी इसके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित की गई है कि एक इनकम से ऊपर अगर उनकी पारिवारिक आय है तो उन्हें नॉन क्रीमी लेयर में रख दिया जाएगा, मतलब उन्हें फिर आरक्षण की सुविधा नहीं मिली मिल सकेगी। इसी तरह EWS कैटेगरी के अंदर भी आने वाले लोगों के लिए कुछ प्रावधान किया गया है कि ये क्राइटेरिया, ये सीमा, ये योग्यता, अगर वह ऐसी अर्हता अगर वे अपने पास रखेंगे तो उन्हें ही EWS कैटेगरी का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और OBC में भी वो इनकम रखी गई है। अगर हम OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो इसमें पारिवारिक आय, मतलब आपकी अपनी आय नहीं बल्कि पूरे परिवार की, संयुक्त परिवार की, जो आप राशन कार्ड में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसमें आपके जितने नाम होते हैं उनकी समूची आय को मिलाकर, उनकी पूरी सम्मिलित आय जो होती है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 8 लाख की आय है। अगर इसमें EWS कैटेगरी की बात करें तो इसमें पारिवारिक आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि OBC जो
आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हैं, उनके लिए भी 8 लाख की सीमा है और EWS कैटेगरी के लिए जो कि केवल आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं उनके लिए भी 8 लाख की ही सीमा है। तो क्या ये उचित है? तो यहाँ मैं बता दूँ कि OBC नॉन क्रीमी लेयर की 8 लाख की जो सीमा है और EWS की जो 8 लाख की सीमा है, इसमें एक अंतर है और वो अंतर थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। क्योंकि OBC नॉन क्रीमी लेयर की जो पारिवारिक आय है उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपकी जो सैलरी होती है वो काउंट नहीं होती। क्या नहीं काउंट होती? सैलरी नहीं काउंट होती, सबसे बड़ी बात। लेकिन इसमें जो है पारिवारिक आय में आपकी सैलरी जो होती है वो काउंट होती है, सैलरीड इनकम जो होती है काउंट होती है। मतलब अगर एक OBC परिवार है उसके पिताजी उसमें मेंबर जो हैं, फादर जो हैं वो सरकारी टीचर हैं, प्राइमरी के अध्यापक मैं मान लेता हूँ, प्राइमरी के अध्यापक हैं, अगर वो 40,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं तो इस हिसाब से 4,80,000 के करीब उनकी पारिवारिक आय होगी एक वर्ष की। और इसी तरह अगर मान लो माता पिता दोनों जो प्राइमरी के टीचर मान लिया जाए तो इस तरह करीब 9,60,000 के करीब उनका फैमिली इनकम आ जाएगा। तो आप देखेंगे केवल एक प्राइमरी के टीचर होने मात्र से इन दोनों, अगर ऐसी कंडीशन होती, सैलरी इनकम अगर जोड़ी जाती तो प्राइमरी के टीचर होने मात्र से माता पिता के ये जो हैं 8 लाख के स्लैब से बाहर चले जाते, 8 लाख की जो सीमा रख दी गई थी उससे ये ऊपर निकल जाते और इनके बच्चों को जो है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर को जो आरक्षण दिया जाता है उससे ये बाहर हो जाते उनके बच्चे। लेकिन यहाँ सरकार ने जो प्रावधान किया है उसमें सैलरी काउंट नहीं होती, इससे ये जो 9,60,000 रुपये इनके घर में इनकम आया वो काउंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ सैलरी जोड़ी जाती है, मतलब कि अगर माता पिता दोनों प्राइमरी के टीचर हैं तो वो उनकी फैमिली इनकम जो 9,60,000 पहुँच जाती है, इसके तहत वे इस EWS कैटेगरी की पात्रता से बाहर हो जाएंगे। तो पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सैलरी इनकम नहीं काउंट होती, साथ ही एग्रीलैंड मतलब कृषि भूमि से, कृषि से जो उनकी आय होगी वो भी नहीं काउंट होगी। मतलब कि अगर कोई किसान है OBC का, वो कितनी भी आय अर्जित करे उससे वो काउंट नहीं होगा। लेकिन इधर जो है अगर एग्रीलैंड से मतलब कृषि से संबंधित कोई भी आय होगी तो वो काउंट होगी। तो ये बड़ा अंतर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो EWS कैटेगरी में ज़्यादातर सवर्ण जो होते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब जातियाँ आती हैं, तो उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में कृषि भूमि होती हैं जिससे उनके आय का स्रोत बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे में क्योंकि इन्हें जो है आरक्षण ही केवल आर्थिक आधार पर मिला है, तो अगर वो सब चीज़ें बाहर ही कर दी जाती तो अगर उन्हें आर्थिक आधार पर ही आरक्षण मिला है और उसके बाद इन सब चीज़ों को बायकॉट ही कर दिया जाता, इन सब चीज़ों को हटा ही दिया जाता, तो उन वो तो फिर गरीब के गरीब बने ही रहते। तो कहने का मतलब है कि अगर आर्थिक आधार पर ही आरक्षण है तो उनके पास जो अर्थ अर्जित कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए क्योंकि इन्हें जो है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण मिला है, आर्थिक आधार पर नहीं मिला है। तो इसमें कहने का मतलब है कि अगर इनकी सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति को देखा जाएगा तो
ये जो 8 लाख की सीमा है ये सैलरीड इनकम से नहीं होगी, एग्रीलैंड मतलब कृषि की आय इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, इसमें केवल कैलकुलेट होगा फैमिली इनकम जो 8 लाख है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जब कृषि आय नहीं कैलकुलेट करोगे, जब आप इसमें सैलरीड इनकम नहीं कैलकुलेट करोगे तो ये 8 लाख पहुँचेंगे कैसे, कहाँ से कमाएंगे, चोरी तो करेंगे नहीं। तो होता ये है कि ये 8 लाख की सीमा जो है ये कहने मात्र के लिए है, सही तरीका ये है कि ओबीसी क्रीमी लेयर के दायरे में केवल वही ओबीसी कैंडिडेट आते हैं जिनके माता पिता परिवार के मेंबर ग्रुप ए या ग्रुप बी की कुछ पोस्ट पर हूँ। मतलब कि माता पिता ग्रुप ए की नौकरी जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस ये सब, और ग्रुप बी की नौकरी जैसे डिप्टी एसपी ये सब कुछ पोस्ट हैं, ये दोनों अगर अर्जित करते हैं तब वे ओबीसी क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे, अन्यथा वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे। तो ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है ये स्पष्ट हो गया कि इसका दायरा क्या है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें फैमिली इनकम पारिवारिक आय जो है 8 लाख होनी चाहिए, और ये 8 लाख अपने में उनकी सैलरीड इनकम को भी समाहित करता है, उनके कृषि भूमियों को भी समाहित करता है, ये एक शर्त ये हो गई। और 3 अन्य शर्त भी हैं। नंबर 1, उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड जो है मतलब कृषि भूमि जो है 5 एकड़, कृषि भूमि जो है 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनका रेजिडेंशियल जो आवास है अगर शहरी क्षेत्रों में है मतलब अर्बन, अगर उनका आवास शहरी क्षेत्र में है तो वो 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर उनका आवास शहरी क्षेत्रों में है तो 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर उनका प्लाट आवास जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है रूरल एरिया में है तो वो 1800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को जो रिजर्वेशन जो आरक्षण मिलता है उसमें उसकी क्या बारीकियां हैं। फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, पूरे चीज़ को समराइज कर दूं कि ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है नॉन क्रीमी लेयर को उसकी जो बारीकियां हैं कि पारिवारिक आय जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए, इसमें सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड को शामिल नहीं किया जाता। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनकी पारिवारिक आय 8 लाख तक की सीमा रखी गई है जिसमें सैलरी और कृषि भूमि को भी सम्मिलित किया गया है उसकी आय को भी, और कृषि भूमि जो है 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवास जो है अगर शहरी क्षेत्रों में है तो 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 1800 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यही कुछ बातें थी, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।